नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज बात करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के प्राकृतिक तरीके। आजकल आप देख रहे हैं हर कोई इम्यूनिटी बढ़ाने में लगा है। लोग आप जानते हैं कि जो वायरस आया हुआ है अभी हमारे देश में बहुत खतरनाक है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। सो आइए उसी पर आज बात करते हैं कि इम्यूनिटी होता क्या है। क्या है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर का वह कवच होता है जो बैक्टीरिया, वायरस और अनेकों बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। बुरी आदतों की वजह से या बुढ़ापा आने के कारण इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है और जैसे ही इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है बीमारियां शरीर पर धावा बोल देती है। यदि आपके शरीर की इम्यूनिटी हमेशा मजबूत रहे तो आप ज्यादातर बीमारियों से बचे रह सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सो आइए आज कुछ पॉइंट पे बात करते हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी मजबूत करने के प्राकृतिक उपाय, तो उसका पहला कारण है कि सही खान पान इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए सही खान पान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स और मिनरल्स की अति आवश्यकता होती है। यदि आप भोजन में बैलेंस डाइट का पालन करते हैं तो यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में आपकी सहायता करता है। अपने बैलेंस डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों को अवश्य शामिल करें। दूसरा पॉइंट, पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। विज्ञान के अनुसार हर व्यक्ति को रोज 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है। यदि आप इससे ज्यादा सोते हैं तो या कम सोते हैं तो दोनों ही अवस्था में आपको नुकसान होते हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप रात में 9 से 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 4 से 5 बजे तक उठ जाएं। सोने के लिए एक समय निर्धारित कर लें। इस आदत से आपकी इम्यूनिटी और भी मजबूत होगी। तीसरा पॉइंट, योग के बारे में हर कोई जानता है। शरीर को स्वस्थ एवं लचीला बनाए रखने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए योग बहुत कारगर होता है। योग के कितने फायदे होते हैं इस बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जानते हैं कि योग से क्या क्या होता है। अब विज्ञान भी मानता है कि जिम जाने से बेहतर कि आप योग करना शुरू करें। जब आप योग करना शुरू करते हैं तो यह आपके शरीर को ना सिर्फ बाहर से बल्कि आपके शरीर को अंदर से भी मजबूत बनाता है। योग करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह आपकी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को अंदर से मजबूत कर देता है। चौथा पॉइंट, प्राणायाम। प्राणायाम भी योग का ही एक हिस्सा है। प्राणायाम में श्वास को विभिन्न तरीके से अंदर बाहर किया जाता है जिसके कारण शरीर के कई टॉक्सिक तत्व एवं नैनो पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। यदि आप प्राणायाम करना ही चाहते हैं तो आप बस अनुलोम विलोम और कपालभाति शुरू कर दे सकते हैं। यदि आप रोज यह दोनों प्राणायाम करते हैं तो आपका फेफड़ा हमेशा स्वस्थ रहेगा और आपका दिमाग भी तेज हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। अब ये पांचवे पॉइंट की बात करते हैं तो कसरत। अब कसरत तो सभी जानते हैं, कसरत करना एक बहुत ही अच्छी आदत है। यदि आप रोज कसरत करते हैं तो इसके पीछे लगने वाली मेहनत के कारण शरीर की कैलोरी बर्न होती है जिसके कारण शरीर से पसीना निकलता है और कोर्टिसोल बाहर निकल जाता है। कसरत करने से ना सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ बल्कि आपका दिमाग मानसिक स्वस्थ भी ठीक रहता है एवं यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति रोज कसरत करता है उस व्यक्ति की तुलना में कसरत ना करने वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर होती है। सो दोस्तों, एक कुछ पॉइंट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे अगले वाले वीडियो में बात करते हैं कि इम्यूनिटी किन कारणों से कमजोर होती है। धन्यवाद।